असलकुम डियर स्टूडेंट्स आई होप यू आर आर डूइंग वेल दिस इज़ यंप्यूटर क्लास एंड वी आर रीडिंग चैप्टर नंबर टेन डिजिटल इमेजिंग विद एडोफ फोटोशॉप एंड टूडे आर टॉपिक विल बी ओपन और इम्पोर्ट एंड इमेज फाइल दिस इज़ अ पार्ट फाइव ऑफ द वीडियो सो स्टूडेंट्स लेट स्टार्ट तो स्टूडेंट्स आज हम फोटोशॉप में सीखेंगे कि हम एक इमेज फाइल को ओपन या इम्पोर्ट कैसे कर सकते हैं तो ये मैंने फोटोशॉप ओपन किया तो अब हम सीखेंगे कि हम यहाँ पे फाइल को कैसे ओपन कर सकते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फोर मेथड्स यहाँ पे लिस्ट किए हैं जिनसे हम एक फाइल को ओपन कर सकते हैं फोटोशॉप में तो सबसे पहला मेथड फाइल ओपन करने का ये है कि हम फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद हम ओपन कमांड पर क्लिक करेंगे और वहाँ हमें ओपन विंडो आ जाएगा वहाँ पे हम अपनी फाइल को लोकेट करेंगे और उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम ओपन बटन पर क्लिक करेंगे तो चले अब ये यहाँ पे हम प्रैक्टिकली करते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक करूँगी उसके बाद यहाँ पे मैं ओपन पे क्लिक करूँगी और ये देखिए ओपन विंडो यहाँ पे आ गई और जो भी फाइल हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है उसको हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारी इमेज फाइल यहाँ पे ओपन हो गई तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज का नाम है इमेज अंडरस्कोर थ्री डॉट पी जी तो अब हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं इसके बगैर हम कंट्रोल प्लस ओ से भी फोटोशॉप में फाइल को ओपन कर सकते हैं तो कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करने के बाद हमें सेम ओपन विंडो आ जाएगा जो हमें पहले मेथड में आ गई उसके बाद हम अपनी फाइल को लोकेट और सिलेक्ट कर देंगे और उसके बाद हम ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो अब मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस ओ कीज प्रेस करूँगी तो आप देखें यहाँ पे ओपन विंडो आ गई तो यहाँ पे अपनी फाइल को लोकेट करके सेलेक्ट कर लूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूँगी तो ये देखिए यहाँ पे फाइल ओपन हो गई अब मैं यहाँ पे इस फाइल को क्लोज़ कर देती हूँ तो इसके बाद अब थर्ड मेथड क्या है हम डॉक्यूमेंट एरिया पे डबल क्लिक करेंगे तो हमें ओपन विंडो वहाँ पे आ जाएगी उसके बाद हम अपनी फाइल को लोकेट और सेलेक्ट करेंगे और फिर हम ओपन बटन पे क्लिक कर लेंगे तो ये देखें यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट एरिया है तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर लूँगी तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया और यहाँ पे ओपन विंडो आ गई और इसके बाद मैं अपनी फाइल को लोकेट और सेलेक्ट कर लूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूँगी तो ये देखिए यहाँ पे फाइल ओपन हो गई तो अब मैं यहाँ पे फाइल को क्लोज़ कर लेती हूँ तो स्टूडेंट्स ये तीन मेथड्स थे जो हम फॉलो कर सकते हैं अपनी फ़ाइल को ओपन करने के लिए जब हमने ऑलरेडी फ़ोटोशॉप एप्लीकेशन को लॉन्च किया होगा तो स्टूडेंट्स ये एक और तरीका है जिससे हम फोटोशॉप में अपनी फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं सबसे पहले हम ड्राइव में अपनी फाइल को लोकेट और सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद हम उस पर राइट क्लिक करेंगे और वहाँ पे हम एडो फोटोशॉप सी एस सिक्स पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास सी एस सिक्स वर्जन है तो आपके पास जो भी वर्जन होगा आप उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे मिनिमाइज़ कर दूँगी और यहाँ पे एडो फोटोशॉप को क्लोज़ कर दूँगी तो ये देखिए एडो फोटोशॉप क्लोज हो गया उसके बाद मैं यहाँ पे ड्राइव से कोई भी फ़ोटो लोकेट करके सेलेक्ट कर लूँगी तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इमेज अंडरस्कोर स्कोर थ्री ये वाली फ़ाइल को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे मैं इसी फाइल पे राइट क्लिक करूँगी और यहाँ पे ओपन विद पे जाऊँगी और यहाँ से आप देखेंगे एडो फ़ोटोशॉप सी एस सिक्स आ रहा है तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटोशॉप का प्रोग्राम लॉन्च हो गया और ये हमारी फाइल भी यहाँ पे ओपन हो गई तो इस तरह से हम एडो फोटोशॉप में फाइल को ओपन कर सकते हैं आई होप यू हैव अंडरस्टूड टूडेज लेक्चर नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय अल्लाह हाफिज